हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत और DCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है PC पैकेज, जिसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बात की थी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। तो अब हम बताने वाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको और अच्छे तरीके से उसके आंसर समझ में आ जाएँ, या तो आप केवल प्रैक्टिकल देख करके उसको परीक्षा में कल के पेपर में आप लिख पाएँ। इसी प्रकार से यदि DCA के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जो भी प्रैक्टिकल यहाँ बताए जा रहे हैं उसको देख करके वो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके करते हैं। यहाँ पर चलिए प्रैक्टिकल जो शुरू होता है वो होता है MS Word 2013 की विंडो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो MS Word 2013 को सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे MS Word 2013 को। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए वर्ड की विंडो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसको शुरुआत में जो है आपको लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें दिखाई देती है जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, और यहाँ पर साइड में आपको टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो इसमें टेम्पलेट की सुविधा दी गई है, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, सारे डिज़ाइंस जो हैं प्री डिफाइंड हैं, पहले से बने हुए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से इन डिज़ाइंस को बना कर रखा है, ताकि आप सिंपली क्लिक करके और डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करके अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन बना सकें। लेकिन यदि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चुनना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करिए और इस तरीके से MS Word जो है ओपन हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन है कि MS Word की विंडो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, यदि आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, या इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे कि MS Word 2013 की विंडो में कौन सा ऑप्शन कहाँ पर होता है, इससे बारे में भी पूछा जाएगा। और यहाँ पर विंडो आप देख सकते हैं, ये विंडो दिखाई दे रही है 2013 की, तो बहुत कुछ 2007 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 2013 के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार, और ये कहलाता है टाइटल बार, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है, और ये कहलाता है टाइटल बार, ये कहलाता है आपका ऑप्शंस बटन। ऑप्शन बटन में क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है और मिनिमाइज बटन है। यहाँ पर आपको एक नई बटन देखने मिलेगी जिस पर आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। ऑटो हाइड रिबन में क्या है, हाइड द रिबन क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये इसकी जो आपकी पूरी रिबन है वो हाइड हो जाएगी, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे शो टैब में तो हमको टैब के नाम बस दिखाई देंगे, लेकिन रिबन हमारी हाइड हो जाएगी। सो टैब एंड कमांड में हम क्लिक करेंगे तो दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है पूरा रिबन, रिबन को अलग अलग टैब में बांटा गया है। MS Word 2013 में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आपके 9 टैब होते हैं। पहला टैब है फाइल टैब। टैब का मतलब होता है ऐसे ऑप्शन जिस पर क्लिक करके उससे संबंधित और भी ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। और हर टैब के अंदर ऑप्शंस कमांड के ग्रुप्स होते हैं, और उन कमांड के ग्रुप्स के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। तो इस तरीके से सभी टैब को कुछ कमांड्स के ग्रुप के अंतर्गत बांटा गया है, और उन ग्रुप्स में कुछ ऑप्शंस भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार, इसका यूज़ किया जाता है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को आप डायरेक्टली जो है यहाँ से ना जा करके आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर फाइल टैब में दिया गया मुख्य ऑप्शन न्यू, ओपन और सेव ऑप्शन यहाँ पर उपस्थित थे। ये देखिए सेव ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है और न्यू ऑप्शन है। तो तेज़ी से इस किसी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन दिए गए हैं। और भी ऑप्शंस को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं इस बटन में क्लिक करके, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन पर। तो यदि हम चाहते हैं यहां पर क्विक प्रिंट ऑप्शन को ऐड करना, तो देखिए अगर हम डॉक्यूमेंट को तेज़ी से प्रिंट करना चाहते हैं तो क्विक प्रिंट ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो चेक्ड हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उनको हम अनचेक्ड कर सकते हैं। जैसे हम ओपन को हटाना चाहते हैं, देखिए ओपन हट गया, फिर इसे हम लाना चाहेंगे तो
फिर से ये हट जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे सबसे पहले देखिए ऑप्शन दिया गया है शो बिलो द रिबन। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार हमारा रिबन के नीचे आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शो अबव द रिबन, तो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से फिर से ऊपर आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप विंडोज़ 2000 आप एमएस वर्ड 2013 का चित्र बना करके सारी चीज़ों को समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रूलर, ये जो रूलर है ये कहलाता है आपका टॉप रूलर, और इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर भी इसको हम बोल सकते हैं, और ये है हमारा वर्टिकल रूलर। ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर है इससे हम लेफ़्ट की मार्जिन मतलब पेज में लेफ़्ट में कितनी जगह छोड़नी है उसको सेट करते हैं, और यहाँ से हम ये सेट करते हैं कि पेज में कितनी राइट मार्जिन छोड़नी है। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल रूलर है इससे हम टॉप की मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम बॉटम की मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे नीचे दिया गया है स्टेटस बार, जहाँ पर पेज नंबर, सेक्शन नंबर, कितने वर्ड हैं टोटल एम एस वर्ड में काम करते समय वो दिया होता है। यहाँ से जाकर के हम पेज की जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए पेज की जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पेज हमारा छोटा हो गया और इस तरीके से पेज हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम चाहे जब टेक्स्ट लिखेंगे तब हमको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो टेक्स्ट हमारा किस तरीके से जूम हो रहा है, किस तरीके से जूम कम हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अलग अलग यहाँ पर आपको तीन मोड दिए गए हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हमको एक चित्र बना करके और एमएस वर्ड 2013 की विंडो के बारे में बताना है कि जब हम एमएस वर्ड 2013 को ओपन करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए हम बताते हैं। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन दिया गया है, देखिए आपका क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन जाएगा। कैसे मालूम कि नया डॉक्यूमेंट बन गया यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टाइप किया हुआ है, अब इस टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमको नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देखिए सबसे आसान ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में दिया गया ये न्यू बटन, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर हमारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर दी गई है शॉर्टकट की कंट्रोल एन, तो जैसे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी हम नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे, या तो फाइल टैब में जाकर के हम न्यू ऑप्शन में क्लिक करके भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। देखिए तो इसमें न्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हमको एक नई चीज़ ये मिल जाती है कि हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अलावा यहाँ पर दिए गए टेम्पलेट को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे ऑप्शन कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएस वर्ड 2013 में विभिन्न पेज व्यूज तथा लेआउट को समझाइए। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपका, इसके लिए आप एमएस वर्ड को इस तरीके से ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको विभिन्न पेज व्यूज और लेआउट्स को समझाना है, तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देखिए यदि आप एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करते होंगे, एमएस वर्ड में आपने प्रैक्टिस की है 2007 में, तो वहाँ पर एक फंक्शन होता था रेंड फंक्शन। रेंड फंक्शन में आप जिस तरीके से यहाँ पर टाइप करते थे और एंटर करते थे कुछ टेक्स्ट आ जाता था, लेकिन 2013 में इस तरीके से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। इस तरीके से रेंड फंक्शन के द्वारा आप रैंडमली जो है टेक्स्ट को नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ टेक्स्ट को जो है हम यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और उसके बाद उसमें हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम देखते हैं व्यूज और लेआउट के बारे में समझ सकें। तो यहाँ पर पेज व्यूज और लेआउट को समझने के लिए आपको जाना है व्यू टैब में एमएस वर्ड 2013 में, और व्यू टैब के अंतर्गत देखिए यहाँ पर अलग अलग व्यू है। यहाँ पर आपको एक मोड मिलेगा, पहला मोड है रीड मोड, देखिए इसमें क्या लिख रहा है, द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सम टूल्स डिजाइनिंग फॉर रीडिंग इंस्टीड ऑफ राइटिंग।
देखिए आप जैसे रीड मोड में ओपन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, पढ़ने की तरह, जैसे कि रीडिंग लेआउट होता था आपका, वैसे ही इसमें 2013 में उसका नाम रख दिया गया है रीड मोड। और यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं इस एरो में क्लिक करते हुए, और यहाँ से फिर से आप बैक जा सकते हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अब इससे बाहर आने के लिए आपको करना है कीबोर्ड में एस्केप की में प्रेस, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये पहला था रीड मोड, और दूसरा है प्रिंट लेआउट मोड। प्रिंट लेआउट मोड चेक आउट हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लॉग व्हेन इट्स प्रिंटेड। तो आपका डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होता है तो किस तरीके का दिखाई देता है, और आपका प्रिंट लेआउट में, देखिए हम आपको जूम कम करते हैं, बताते हैं, प्रिंट लेआउट में सभी प्रिंट होने वाली चीज़ हमको दिखाई देती हैं, जैसे कि पेज में लेफ्ट में कितना मार्जिन है, पेज में राइट में कितना मार्जिन है, पेज में टॉप में कितना मार्जिन है, पेज में बॉटम में कितना मार्जिन है, और एक पेज के कहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट हुआ। कई बार पेज इस तरीके से आपको डबल क्लिक करेंगे, आप देखिए दोनों पेज जुड़ चुके हैं, तो आप डबल क्लिक करके दोनों पेज के बीच में आप इस तरीके से स्पेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा था प्रिंट लेआउट, प्रिंट होने वाली सारी चीज़ें प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देती हैं। तो जब भी आप इसको डिजाइन करने के बाद प्रिंट करें तो बेस्ट ये रहेगा कि आप प्रिंट लेआउट मोड में इसको चालू कर लें। डॉक्यूमेंट का अगला व्यू है जिसका नाम है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू में देखिए हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है। वेब लेआउट व्यू का इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसको आप वेब में पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट वेबसाइट में कैसा दिखाई देगा उसको कहते हैं वेब लेआउट व्यू। इसी तरीके से आउटलाइन में जब हम जाएंगे तो आउटलाइन में हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन आउटलाइन को समझने के लिए बेहतर ये होगा कि इस डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से बना लिया जाए। तो इस तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ हेडिंग अभी डाल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी PGD से फर्स्ट सेम PC पैकेज क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से जब आप हेडिंग डाल देते हैं, और ये हो गई आपकी हेडिंग, ठीक। और इस हेडिंग को आपको हेडिंग जैसे बनाना भी पड़ेगा, तो हेडिंग बनाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से स्टाइल ग्रुप में जाइए। स्टाइल ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से आप इसको बुक हेडिंग 1 दे सकते हैं। देखिए हेडिंग 1 हो गई, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिर से इसको हेडिंग 1 दे सकते हैं। इसी तरीके से कहीं और अगर कोई दूसरी हेडिंग आती है, मान लीजिए हमने लिख दिया DCA क्वेश्चंस, मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको मान लीजिए हमने दे दिया टाइटल। तो यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग है, कुछ टाइटल है, अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का है, और आप व्यू टैब में जाकर के यहाँ पर आउटलाइन जैसे ही देते हैं तो देखिए जो हेडिंग आपने दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि क्लिक करने पर ये कोलैप्स हो जाएगा और क्लिक करने पर ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब डॉक्यूमेंट में हेडिंग होता है तो डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को कोलैप्स करके जो है देखने के लिए इस मोड का, इस लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है आउटलाइन। यहाँ पर एक नया जुड़ा हुआ है ड्राफ्ट व्यू, जो कि एमएस वर्ड 2003 में, और 3 में आपका नॉर्मल व्यू था, 7 में भी आपका नॉर्मल व्यू था। ड्राफ्ट व्यू स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में जस्ट ओनली टेक्स्ट को देख सकते हैं, कहाँ पर पेज खत्म हुआ ये भी देख सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट में ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा अभी डॉक्यूमेंट में कौन कौन से व्यूज़ होते हैं उसके बारे में। तो इसका आंसर था हमारा डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज तथा लेआउट को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड 2013 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन को समझाइए। तो एमएस वर्ड 2013 में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने से संबंधित ऑप्शन में आएगा, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सारे ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको फॉन्ट ग्रुप में मिल जाएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट का जो फॉन्ट है फॉन्ट बदल सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ से, चूंकि ये हिंदी है इसलिए इसका फॉन्ट हिंदी ही रखना पड़ेगा हमको। और यहाँ से हम जा करके ये देखिए साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना यही कहलाता है। यहाँ से क्लिक करके साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके साइज़ को डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, हटाना है तो आप फिर से इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से कलर देना है तो हम कलर दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की विभिन्न फॉर्मेटिंग है। अगर आपका टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईट वर्ड और टॉगल केस, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम सबस्क्रिप्ट में, टेक्स्ट को हम सुपर स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऐसे लिखा जाएगा, हमने लिख दिया x² + y², तो यहाँ पर अगर हमको
सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है तो हम सेलेक्ट करेंगे, और ये सुपर स्क्रिप्ट में हमारा टेक्स्ट आ चुका है, ये सुपर स्क्रिप्ट में आ चुका है। इसी तरीके सब स्क्रिप्ट में भी हम लिखेंगे। सब स्क्रिप्ट में लिखने के लिए अब हम इसको टू को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सब स्क्रिप्ट में आ गया, फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये था टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है। यही फॉर्मेटिंग आप फॉन्ट में जाकर के, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से भी जाकर के चेंजेस की जा सकती है। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बताइए, तो आप इस फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन को समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित विभिन्न ऑप्शंस को समझाइए। तो एमएस वर्ड में जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है। जैसे एक मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ये पैराग्राफ में दिए गए ऑप्शंस के द्वारा पैराग्राफ की सेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर लिया, यहाँ से आपने पैराग्राफ को राइट अलाइन कर लिया, लेफ्ट अलाइन कर लिया, यहाँ से जस्टिफाई कर लिया। पैराग्राफ में के बीच में अगर आपको लाइन स्पेस देना है तो इस तरीके से हम लाइन स्पेस दे सकते हैं। पैराग्राफ में कोई शेडिंग कलर देना चाहते हैं तो आप शेडिंग कलर दे सकते हैं। पैराग्राफ में अगर बॉर्डर आपको देना है तो आप यहां से जाकर के पैराग्राफ में जो है बॉर्डर दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन में क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ में वही ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये अलाइनमेंट यहाँ पर दिया गया है, ये इंडेंटेशन भी दिया गया है, यहाँ से देखिए आप इंडेंटेशन कम कर सकते हैं। तो जो भी पैराग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो पैराग्राफ में इंडेंटेशन सेट करने के लिए हम डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, पैराग्राफ में राइट में कितनी जगह देना है ये देखिए। तो इस तरीके से पैराग्राफ को सेट करने के लिए पैराग्राफ से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, या आप डायलॉग बॉक्स में क्लिक करके भी इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। तो परीक्षा में यदि आता है तो आप इस में दिए गए ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये डायलॉग बॉक्स का चित्र भी बना सकते हैं। और बेहतर ये होगा आप डायलॉग बॉक्स का चित्र बना करके इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पर समझा दें। यहाँ पर भी पैराग्राफ में जो स्पेस होता है लाइन के बीच में वो दी जा सकती है, पैराग्राफ के पहले का स्पेस, पैराग्राफ के बाद का स्पेस, ये सारे स्पेस यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को समझाइए। पेज फॉर्मेटिंग के लिए पेज सेटअप ऑप्शन को समझाइए। तो जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो वह आप पेज की सेटिंग करते हैं। पेज सेटिंग से संबंधित ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलेंगे। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, मार्जिन को हमने यहाँ से नैरो कर दिया है, मार्जिन को हमने यहाँ से मॉडरेट कर दिया है, मार्जिन को हमने यहाँ से वाइड कर दिया है। तो ये सारे पेज की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन हैं। अगर हमको नॉर्मल करना है तो इस तरीके से हम नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल में मार्जिन टॉप में 1 इंच है, लेफ्ट में 1 इंच है, बॉटम में 1 इंच है, और राइट में 1 इंच दिया गया है। डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन किस तरीके से रखना है, इस तरीके से हम कर देंगे ओरिएंटेशन। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से प्रिंट होने वाला है देख सकते हैं आप चौड़ाई में, क्योंकि हमने इसको लैंडस्केप कर दिया है। अगर हम पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा ये लंबाई में प्रिंट हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या रखना है, A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट रखना है कि लीगल साइज़ का डॉक्यूमेंट रखना है कि A5 साइज़ का डॉक्यूमेंट रखना है, तो यहाँ से हम जाकर के डॉक्यूमेंट की साइज़ को निर्धारित कर सकते हैं। ये साइज़ वो हैं जो प्रिंटर में पेज लगाए जाएंगे। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट को यदि 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो 3 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, और 1 भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। फिर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आपको पेपर की साइज़ देना है, यहाँ से भी मार्जिन देना है, और यहाँ से भी ओरिएंटेशन है। तो पेज सेटअप का चित्र भी आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पेज की फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन, तो पेज की फॉर्मेटिंग में आपको पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।